गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम होम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे आज। और आज का ये जो व्लॉग है वो मैं बहुत रैंडमली शूट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा प्लानिंग में भी नहीं था कि ये व्लॉग शूट करूँगा। तो अभी फिलहाल यशोर में जा रहे अंधेरी वेस्ट, जो हमारी बड़ी राइड होने वाली है दिसंबर में, उसकी थोड़ी प्रिपरेशन अभी से हम लोग चालू कर रहे। तो उसके लिए शॉपिंग करने हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि शॉपिंग करने जा ही रहे तो उसका भी थोड़ा प्रिपरेशन व्लॉग शूट किया जाए। मैं पार्किंग में आया हुआ था, अभी सिल्वा को लेके यहाँ से निकलूँगा, इसमें फ्यूलिंग करूँगा और यश मुझे मिलने वाला है जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट ब्रिज पे। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से यश के साथ राइड कंटिन्यू करेंगे, एच हेलमेट जाएंगे। एच हेलमेट जाके मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है राइड के लिए, बोलूँगा वो क्या लेने वाला हूँ, वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के ही बताऊँगा। अभी बताऊँगा तो थोड़ा मज़ा चला जाएगा और थोड़ा सस्पेंस भी रहने दो। तो वहाँ चलने तक रुको, यहाँ से निकलते। और एक चीज़, अंधेरी जाने के लिए मैंने राइडिंग जैकेट क्यों पहना है, ये भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो उसका भी जवाब आपको आगे ब्लॉग में मिल जाएगा कि मैंने राइडिंग जैकेट कैरी क्यों किया है। ओके, तो यश भी यहाँ पे आ चुका है, अभी हम लोग जाएंगे वेस्ट एज हेलमेट, जो कुछ लेना है वो वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ। और आज भी ये ज़्यादा खर्चा करवाने वाला है मेरा, हमेशा ये लेट आता है, अभी खर्चा तो करवाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे यश ने जो बैग लिया है वो ये है कार्बनाडो का, और मुझे राइनॉक्स का पसंद आया था, और ये 20 लीटर्स का है, राइनॉक्स का जो है वो 40 लीटर्स का है, लेकिन यश बोल रहा है कि ये ले ले, लेकिन ये मेरे लिए 50 नहीं 40 भी है वो वाला, और वो ऊपर वाला 50 है। तो मुझे तो 40 लीटर्स वाला वो पसंद आया था, लेकिन ये कन्फ्यूज कर रहा है। तो अभी इसमें कार्बनाडो में 30 लीटर्स वाला बैग आता है वो देख रहे हैं, अगर वो नहीं पसंद है तो फिर राइनॉक्स लेंगे, क्योंकि मुझे देख के बैग पता चल रहा है कि मेरा सामान इसमें नहीं आने वाला है। और जो कुछ हम लेके जाने वाले हैं उसके हिसाब से तो मेरी नीड तो फुलफिल नहीं हो रही है इसमें, तो दूसरा देखते हैं। अभी जब वो 30 लीटर्स वाला बैग दिखा रहे थे कार्बनाडो का, तब भी पता चला कि ये ओपन भी होता है, पहले एक्सटेंड नहीं था, ऐसे स्ट्रिंग था। तो लेकिन मैं 30 लीटर्स का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा आते समय सामान लेना है जहाँ पे जा रहे हो आप। अभी तक लोकेशन रिवील नहीं है करूँ क्या? कर दे, नहीं रहने दे, डायरेक्ट सरप्राइज देंगे। पीछे की अभी यहाँ पे आया था और एक खर्चा बढ़ा रहा है, मेरे को पहले ही पता था इसको लेके जाऊँगा मतलब एक खर्चा बढ़ाने के काम करेगा। अभी बोल रहा है फ्लैशर्स भी लगा ले, इसको खुद से लेने का था, मेरे ऊपर बिल फाट रहा है, अभी इस पे डाल रहा हूँ तो मेरे पे घुमा रहा है पीछे। तो अभी सिमटेक का नहीं मिला तो फ्लैशेक्स का हैजार्ड फ्लैशर देख रहे हम लोग यहाँ पे। और जो जैकेट लेके आया था मैं, वो जैकेट की मुझे पैडिंग चेंज करनी थी, अंदर जाके बोलता हूँ भाई यहाँ पे कुछ सुनाई देगा नहीं, इतने हॉर्न बजा रहे हैं ना बेफालतू के, मिल रहा है क्या कुछ? और ये बोल रहा है कि प्लग एंड प्ले है फ्लैशेक्स, तो मैंने बोला था कि BS6 ट्यूब में प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हटा दिया था, तो वही चेक कर रहा है ये सभी। ये कुछ मिल रहा है क्या? मैं किसमें डाला था मेरे को पता नहीं, शायद इसके वाले में रहेगा। ये जो पैडिंग है वो ली गई है जैकेट के अंदर डालने के लिए, और अभी फ्लैश एक्स दिखा रहे वो, तो लगाना तो हमें ही पड़ेगा, लगा मैं नहीं लगाऊंगा ये ना, मैं ये यही लगाएगा, इसका ही काम है वो सब, मैकेनिक वाला काम यशोर पाटिल। पैसा लूंगा मैं, अरे देगा हर लाइट बिठाने का 5,000 रुपये, पैर है ना मेरा तेरे लिए, बस हो गया। यहाँ से निकल तो रहे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ जैकेट की पैडिंग, मेरे को प्यास लगा है, कुछ पिला नहीं रहा है, मार देगा मेरे को एक दिन। अभी सिर्फ जैकेट की पैडिंग ली है यहाँ पे, और हमारा जो बैग है वो लिया गया है। अभी हम यहाँ से जाएंगे TVS, पहले इसको कुछ पिलाता हूँ नहीं तो मेरी जान ले लेगा ये, दिमाग खाएगा अभी कैसा। तो TVS जाना है, TVS जाके राइडिंग शूज़ लेने हैं मुझे, वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी देखना है क्या पे मिल रहा है क्या, यहाँ पर तो मिला नहीं मुझे, तो अभी ब्लाइंड स्पॉट मिरर के लिए भी यश को परेशान करूँगा। TVS में आ गए अभी हम लोग, यहाँ पे भी शूज़ एक ही है, अभी मेरा साइज़ है कि नहीं पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। वो जो शूज़ है वो भी स्टैचू को पहना दिया, वही अभी लेना पड़ेगा, अगर साइज़ नहीं मिलेगी तो फिर दूसरे TVS के शोरूम मिलने पड़ेंगे। ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी पेंडिंग है, फ्लैश एक्स तो मिला नहीं वहाँ पे मेरे वाले मॉडल का था, वाले नहीं। बम जाए, मैं नहीं आ रहा। हाँ ये नहीं रहेगा, ये बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना आजकल छोटा। हमारा शूज़ तो आ गया है, पहन के भी देख लिया, अभी साइज़ तो आ रही है फिटिंग, मतलब थोड़ा सा लूज है, लेकिन उतना लूज चाहिए भी नहीं तो पूरा वो सफोकेशन हो जाएगा पैर को अंदर से, उंगलियाँ दुखने लगती है बाद में अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो। अपना ब्लॉग कॉमेडी ब्लॉग है तो अभी ये उठा रहा हूँ मैं, ब्लाइंड स्पॉट मिरर तो रह गया, अभी ये कब मिलेगा पता नहीं। राइड पे जाने से पहले एक बार एक शॉप भी जाना पड़ेगा, एक शॉप तो अभी
एक शब्द का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, एक शब्द वाला व्लॉग आने वाला है गाइस वो भी व्लॉग आएगा, अभी तक लाइव नहीं गया, मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक वो लाइव कर दूंगा। आज डेट क्या है, 14 नवंबर, पहले भी बताया मैंने। तो बस अभी एक शॉप या फिर विग्नेश जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जाके कूलन टॉप अप करना है, राइड से पहले वेसरा के ब्रेक पैड्स डालने और सस्पेंशन एडजस्ट रह गया था उस दिन, तो सस्पेंशन एडजस्ट भी करना है। बस यही था इस ब्लॉक के लिए, अभी ये रहते इसको हाईवे पे छोड़ता हूँ और फिर घर पे जाते हैं। हाईवे पे छोड़ता हूँ मतलब मैं मेरा बाइक से आया हूँ। हाँ वही, लेकिन छोड़ना पड़ेगा ना थोड़ा, ऐसे आया है बोरीवली से अंधेरी तक आया है मेरे लिए, तो अलविदा देना पड़ेगा। बस इस ब्लॉग को ये एंड करेंगे। इतना जल्दी तो कब करूँ? अच्छा कर लो, बाद में करते, सब लेने बिलिंग होने के बाद करते बाहर जाके। बहुत घाई रहते मेरे के घाई, तेरे को घर पे जाने का, इसलिए मोबाइल में कौन बिजी है, चैट मत दिखा। बस अभी सब लेके हो गए हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, इसको भी मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, ये भाग रहा है अभी यहाँ से, बोल रहा मुझे जाने दे मुझे जाने दे। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करना पड़ेगा अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते किसी नई ब्लॉग में। दिस इज फ्रॉम साइनिंग ऑफ टिल द स्टे दिस टाइम, टेक केयर, वन लाइन बाय। मेरे बिजनेस में थोड़ा कदम रखो, एक है विजिटिंग कार्ड, एक है दिखा दूंगा, बाद में कभी दिखा दूंगा, लास्ट में ब्लूपर्स डाल दे ठीक है।